हाँ दोस्तों, देखिए आज हम सिंह ट्रेडर्स के यहाँ आए हुए हैं प्लास्टर करने के लिए। ये अकारीपुर पुरवा गांव में देखिए प्लास्टर कर रहे हैं। ये एक किचन है और एक बेडरूम है, इसी को प्लास्टर करने आए हैं। देखिए प्लास्टर कितनी स्पीड में कर रहे हैं। ये जो है कमरे की जो लंबाई है ये 18 फीट है लंबा और 10 फीट चौड़ा है। और ये जो है इसमें पटिया भी डाला गया है और सब मिला के इसे हम 3 दिन में फाइनल कर देंगे इस कमरे को। और हमारे साथ जो है एक लेबर है और हम हैं, और ये हमारा लेबर जो है काफ़ी जानकार लेबर है। ये हमारे साथ हमारा हाथ बटाता है और इसी सहारे से जो है देखिए ये कमरा हम जो है 3 दिन में फाइनल कर देंगे। और देखिए शानदार प्लास्टर जो है स्पीड में जो है इसकी जो मसाले की छुपाई कर रहे हैं छत में, ये छत की प्लास्टर हो रही है। और ये छत प्लास्टर करेंगे पहले, उसके बाद ये सारी दीवारें करेंगे और नीचे फर्श भी बनानी है। और ये देखिए लगातार स्पीड में काम चल रहा है। ये अकारीपुर पुरवा गांव में, ये जिला अयोध्या में है। और ये देखिए इसमें जो है हमने 4 एक का मसाला बना रखा है, 4 मोरंग डाला है और 1 सीमेंट और 1 बोरी का माल बनाया है। ये लगभग 1 बोरी माल में ये जो है छत पूरा कर देंगे प्लास्टर। और देखिए इसमें हमने तरी भी काफ़ी अच्छे से तरी भी किया है, और जितना अच्छा तरी हो उतना अच्छा फिनिशिंग छत का आता है, या दीवार हो या छत हो, प्लास्टर उतने ही अच्छे होते हैं, अच्छे ढंग से होते हैं और मजबूती से होते हैं। इसीलिए तरी जो है हम अच्छी तरह से करवाते हैं। और प्लास्टर हो जाने के बाद लगभग इसके 1 हफ्ते जो है प्लास्टर पे तरी करवाते हैं, जिससे मसाला का सेटिंग अच्छा हो जाए और पकड़ भी अच्छी तरह से बना ले और मजबूती भी मिलती है तरी से। जितना तरी किया जाए उतना ही मजबूती मिलेगी, इसी वजह से तरी जो है 1 हफ्ते मिनिमम 1 हफ्ते ही रखते हैं हम। और देखिए प्लास्टर और ये सारे जितने प्लास्टर कर रहे हैं सब फंटी में वाटर लेवल में हो रहे हैं। और देखिए फिनिशिंग भी अच्छी, अगर जो है तरी अच्छा रहता है तो इसी वजह से जो है प्लास्टर बढ़िया होता है, चिकना होता है, सफाई से होता है। और जो है एक बार में लगभग जो है 8x10 एक बार में छोप देते हैं पूरा, और उसके बाद सफाई करते हैं फंटी से मसाला काट के। और एकदम बारीक, देखिए एकदम बारीक जो है, सिर्फ ये समझिए लेबल ले रहे हैं जिससे ऊंचा खाला ना रहे, और एकदम पतला प्लास्टर मार रहे हैं। देखिए बिल्कुल एकदम पतला प्लास्टर लग रहा है, और ये सूखने के बाद एकदम दिखाई देगा कि एकदम पतला है, ईट हिगड़ने लगेगा। और ज़्यादा मोटा प्लास्टर जो होता है वो चलता नहीं है, इसी वजह से हमने जो है पतला प्लास्टर कहीं भी करते हैं तो पतला प्लास्टर ही करते हैं। मोटा प्लास्टर क्या होता है, कुछ दिन के बाद दीवार में जब हल्का नमी आने लगती है वो प्लास्टर छोड़ देता है, और वो प्लास्टर धीरे धीरे चिटकने लगता है,
और चिकनी लगने के कारण वो फट के जो है दीवार को छोड़ देता है। इसी वजह से जितना हो सके उतना प्लस्तर पतला ही करें और मजबूती भी इसमें मिलेगी और जो है इसकी लाइफ भी काफ़ी समय तक चलेगा। इसी वजह से पतला प्लस्तर करें।